अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू जीन 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो इस वक्त तक की पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। और जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद हाई हो रही है, वैसे ही जो है हमारे इन कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका, एशिया के इन कंट्रीज के अंदर भी जो कोरोना वायरस की रेशियो है वो बहुत तेजी से जो है इंक्रीज हो रही है। इस वक्त तक के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर 9,749 पर्सन को हो गया अब कोरोना वायरस। इसके अंदर 2,156 जो है रिकवरीज हैं और 209 पर्सन की पाकिस्तान के अंदर डेथ हो गई है। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर कोरोना वायरस का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। आप लोग देख सकते हैं 19,984 पर्सन को हो गया अब इंडिया के अंदर कोरोना वायरस। इसके अंदर 3,870 जो है रिकवरीज हैं और 640 पर्सन की इंडिया के अंदर डेथ हो गई। आप लोग देख सकते हैं इंडिया का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है, 19,000 क्रॉस कर गया अब इंडिया। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश के अंदर 3,772 पर्सन को हो गया बांग्लादेश के अंदर कोरोना वायरस। इसके अंदर 92 जो रिकवरीज हैं और 120 पर्सन की जो है बांग्लादेश के अंदर डेथ होगी। आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश का जो डेथ लेवल है बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है और केसेस की तादाद भी दिन ब दिन बहुत ज्यादा आती जा रही है बांग्लादेश के अंदर। और अगर आज श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के अंदर भी जो कोरोना वायरस के केसेस की तादाद है हाई हो रही है, 310 पर्सन को अब हो गया श्रीलंका के अंदर कोरोना वायरस। इसके अंदर 102 जो है रिकवरीज हैं और 7 पर्सन की सेम डेथ है श्रीलंका के अंदर, जो डेथ के नया कोई भी नहीं आया और रिकवरी भी माशाल्लाह श्रीलंका में कुछ हुई है। और आज अगर ओमान की बात की जाए तो ओमान के अंदर 106 न्यू केसेज आए हैं और 106 न्यू केसेज आने की वजह से आप लोग देख सकते हैं 1,614 पर्सन को हो गया अब ओमान के अंदर कोरोना वायरस। इसके अंदर 238 जो है रिकवरीज हैं और 8 पर्सन की ओमान के अंदर डेथ हो गई है। आप लोग देख सकते हैं जैसे पूरी दुनिया के अंदर लेवल हाई हो रहा है, उसी तरह ओमान के अंदर भी दिन ब दिन केसेस की तादाद बहुत ज्यादा हाई हो रही है। बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये वायरस जल्दी खत्म हो जाए ताकि लोगों की मामलाते जिंदगी और परेशानियां वो हल हो सके। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम। सब तक के लिए राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, दुआओं की दरखास्त आप लोगों से बहुत ज्यादा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।